Five class, today is your lecture number 18. Hopefully you we are going to start question number 4 of word problems on page 16. Hopefully you solve the first three questions of this exercise. So we are going to start question number 4. Super Pop Potato Chips Factory, एक factory का name है, employs 267 people. 267 people उसके इस company के employees हैं. If each worker receives price 2384 as wages every month, वो कह रहा है कि एक सुपर पोटैटो चिप्स फैक्ट्री है जिसमें 267 पीपल एम्प्लॉयज हैं, अगर हर एम्प्लॉय को 2384 रुपीस मिलते हैं वेजेस के तौर पे, उसको उसकी पे के तौर पे, वेजेस मीन पे, एवरी मंथ, हर महीने इतने पैसे मिलते हैं, ओके, व्हाट इज़ द टोटल वेज बिल, व्हाट इज़ द टोटल वेज बिल, व्हाट इज़ द जो उसका फैक्ट्री ऑनर है जो उसके टोटल कितनी उसकी हमारे पास उसकी रकम खर्च होगी. वी हैव फाइंड टू थिंग्स फॉर वन मंथ, वन मंथ के लिए कितनी, हर महीने बाद एक, हर महीने बाद एक. अब यहाँ पे देखना है कि क्या चीज़ें फाइंड करनी है. फॉर वन मंथ, फॉर होल ईयर, ओके, हर महीने बाद एक वर्कर को 2384 रुपीज़ मिलते हैं, लेकिन टोटल वर्कर कितने हैं, 267. सो सेंस इज वेरी क्लियर व्हेन वी हैव मल्टीप्लाई द 267 विद 2384, आवर आंसर विल बिकम फॉर वन मंथ वेजेस, टोटल वन मंथ वेजेस आ जाएगी, यानी 267 दफ़ा हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास सबको पैसे दे दिए जाएंगे, तो वन मंथ का आ जाएगा. फिर हमने फॉर होल ईयर फाइंड करनी है वेज कितनी होगी, मीन उसी वैल्यू को दोबारा एक होल ईयर में कितने मंथ होते, एक मंथ का जो आएगा ना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद एक मंथ के लिए आ जाएगी वैल्यू. देन अगर होल ईयर के लिए फाइंड करनी है तो व्हाट आर द नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर, 12. सो वी हैव ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ 12 एट द लास्ट, ओके. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व. सो हेयर आई हैव नोट द क्वेश्चन स्टूडेंट, सो लेट्स सी टोटल एम्प्लॉयज वी हैव put the data, total employees 267, monthly wages, monthly wage of one employee kitni hogi, 2384. We have to find the two things for find, for month, one month, for one month, okay, for one month, for one month, for whole year. वन मंथ के लिए फाइंड करना तो इसको इसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, हर मंथ के बाद एक एम्प्लॉय को 2384 रुपीज़ मिलते हैं हर मंथ के बाद, ओके. तो जब 267 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वन मंथ के लिए आ जाएगा. नाउ वन इज फॉर वन मंथ, फॉर वन मंथ वी हैव, सॉरी वन मंथ, सो वी हैव मल्टीप्लाई 2384 को ऊपर लिख लेते हैं, इसको 267 से मल्टीप्लाई करवाना है. सो इसको राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना, मीन इसका फर्स्ट डिजिट डोंट सा इस फर्स्ट टर्म के राइट साइड के नीचे होना चाहिए, ओके. नाउ व्हेन वी हैव मल्टीप्लाइंग, 7 4s are 28, सो 8 हेयर टू टेक कैरी, ओके. 7 8s are 56, add to 58, 8 here, 5 take carry. 7 3s are 21, add 25, 7 3s are 21, then add 5, 26, so 6 here, 2 take carry. 7 2s are 14 or plus 2 means 16, so we have put a cross here. Then multiply with the second number 6. 6 4s are 24, 4 here, 2 take carry, जो पहले लिखा है उसको ही consider कर लेते हैं. 6 8s are 48, and then add 250, so 0 here, 5 take carry to the next number, जो पहले लिखा है उसी को ही count कर लेते हैं. 6 3s are 18, plus 5,
ट्वेंटी थ्री, 18 + 5 = 23, ओके सो 3 हेयर 2 टेक कैरी, 12 भी होता है, 6 2 12 और 2 14, सो 4 हेयर एंड 1, देन पुट दी 2 क्रोसेस, ओके जब सेकेंड टर्म 1 क्रोस उससे नेक्स्ट में जाएंगे तो 2 क्रोस को पुट करेंगे, कितने क्रोसेस को पुट करेंगे 2 को, ओके 2 4 8, 2 8 16, 6 हेयर 2 8 16, 6 हेयर 1 टेक कैरी टू टी नेक्स्ट नंबर, 2 6 2 3 6 और 1 7 एंड 2 2 4 2 2 4, नाउ ऐड ऑल द टर्म्स, ओके 8 आएगा, 8 में क्रॉस ऐड करेंगे तो वो सेम वही रहेगी 8 8 + 4 12, 2 हेयर 1 टेक कैरी, 6 और 1 7 7 और 8 मिलके 15 बनेंगे, 5 हेयर 1 टेक कैरी, 6 6 12 12 और 4 16, 6 हेयर 1 टेक कैरी, 1 + 1 2 2 + 4 6 6 + 7 13, 6 + 7 13, 3 हेयर 1 टेक कैरी, 1 + 1 + 4 6, ओके सो वेजेस फॉर 1 मंथ इज 636,528, दिस इज़ द वेजेस ऑफ फॉर 1 मंथ, ओके नाउ वी हैव टू फाइंड द वेज फॉर होल ईयर, ओके मंथ इन अ ईयर, ओके मंथ इन अ ईयर कितने होंगे 12, ओके वेज ऑफ वन मंथ के लिए हमने काउंट की हुई है, वेज ऑफ वन मंथ, देन इफ यू हैव टू फाइंड द फॉर होल ईयर देन मल्टीप्लाई दिस टर्म विथ 12, ओके सो 6 3 6 5 2 8 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, सो लेट्स सी, ओके स्टूडेंट फॉर नाउ मल्टीप्लीकेशन, 2 8 16, 6 हेयर 1 टेक कैरी, 2 2 4 देन ऐड 1 बिकम्स 5, 2 5 10, 0 हेयर 1 गिव कैरी टू द नेक्स्ट नंबर, 2 6 12 +1 13 का 3 हेयर एंड 1 टेक कैरी टू द नेक्स्ट नंबर, 2 3 6 एंड देन ऐड 7, 2 6 12, Now we have put a cross here, 1 multiply by 8, 8, 1 multiply with 2, 2, 1 multiply with 5, 5 same terms aa jayengi, 1 multiply by 3, 1 multiply by 6, okay, now add the both, 6 plus cross, 6 here, 8 plus 5, 13, 3 here, 1 take carry, 2 plus 1 becomes 3, 5 plus 3 becomes 8, 6 plus 7, 13, 3 here, 1 take carry, 2 plus 1, 3 or 3, 6, 6 plus 1, 7, 6 plus 1, 7, so this is wait for whole year, wait for whole year, okay, kya hogi, hamare paas 7 million, 36, this is the weight for all month, okay? So let's see student question number 5, if a rocket travels a distance of, rocket hai, wo travel karta hai distance 756,480 km in 240 hours, ek rocket hai, wo travel kar raha hai, kitna? Hamare paas 756,480 किलोमीटर, ओके इन 240 आवर्स, हाउ मैनी किलोमीटर डज इट ट्रैवल इन वन आवर, 240 आवर्स में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है और वन आवर में कितना ट्रैवल करेगा, तो सेंस इज क्लियर डैट वी हैव जस्ट डिवाइड, व्हेन वी हैव डिवाइड दिस टर्म आवर्स टर्म टू द किलोमीटर डिस्टेंस टर्म्स,
वी हैव गेट द डिस्टेंस फॉर 1 आवर के एक घंटे में कितना डिस्टेंस तय हुआ होगा. ओके क्योंकि हमने इसको 240 आवर्स में टोटल इतना डिस्टेंस, अगर हम इसको 240 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ. आई मीन इसको डिवाइड करेंगे. ओके सो लेट्स सी स्टूडेंट इफ डाटा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज 756,480 किलोमीटर्स. टोटल टाइम 240 आवर्स. वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस इन 1 आवर. डिस्टेंस इन 1 आवर. ओके एक आवर में कितना डिस्टेंस होता है तो वो हमने फाइंड करना है. तो हैव जस्ट डिवाइड दी टोटल डिस्टेंस बाय आर, देन वी हैव गेट द ओके. सो स्टूडेंट हाउ टू डिवाइड दैट काइंड ऑफ टर्म्स, दिस क्वेश्चन इज फॉर योर सॉल्विंग. ओके डू योर सेल्फ द कैलकुलेशन ऑफ डिवीजन, वेरी इजी डिवीजन. ओके कंपेयर करेंगे अगर इसके डिवाइजर के 3 डिजिट्स हैं, वी हैव टू कंपेयर द डिविडेंट. दिस इज कॉल्ड डिविडेंट, डिविडेंट पर 3 डिजिट्स. इफ द डिविडेंट पर 3 डिजिट बिकम्स ग्रेटर देन ऑफ दिस डिवाइजर देन वी डिवाइड. फिर हम क्या करेंगे, इस 3 डिजिट्स को इस पे फर्स्टली डिवाइड करेंगे. मीन इसको स्किप करके इसको इस पे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे. मीन इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आवर आंसर मस्ट क्लोज टू और इक्वल टू, क्लोज टू और इक्वल टू 756 बट नॉट ग्रेटर देन. ओके इसके इक्वल आ जाए या इसके क्लोज तरीन चला जाए, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है 756, देन फॉलो दी अदर मैटर. सो ये दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, डू योर सेल्फ. ओके थैंक यू, दिस इज योर लेक्चर.